आगे नहीं पीछे आओ थोड़ी सी, आप पीछे आओ मैडम थोड़ा पीछे। ये हमारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ जो इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने इस मुकदमे को ट्रेस किया है, एक अक्यूज्ड को पकड़ा है और इसको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। छह अप्रैल की रात डबुआ के पास उत्तम नगर में डेयरी संचालक सुनील के ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। एसीपी क्राइम सुरेंद्र शिवराण ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम कृष्ण है। सिपाही अजीत ने आरोपी को अपने सूत्रों से प्राप्त कर सूचना से लक्कड़पुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाना डबुआ में हत्याओं की धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी को अदालत में पेश कर मामले में पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपी के अन्य साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2023 की सुबह को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बाजड़ी गाँव के पास उत्तम नगर एरिया में एक व्यक्ति जो सुनील नाम का व्यक्ति था, उसकी डेयरी में अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर मार के हत्या कर दी है, जिस पे हमारे आदरणीय सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा तथा आदरणीय डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के निर्देश में कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को डिप्यूट किया गया इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इस अनट्रेस मुकदमे को बहुत ही कम समय में ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की और इसमें एक अक्यूज्ड को अब गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल अक्यूज्ड अब तक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 2 हैं और घटना की वजह ये थी कि उसी दिन एक पड़ोस में ही कन्हैया नाम का व्यक्ति था, उसके यहाँ उसके पोते की जन्मदिन पार्टी थी जहाँ पे अक्यूज्ड और मृतक दोनों इनवाइटेड थे। ये वहाँ गए, उन वहाँ पे इनका आपस में किसी बात को लेके गाली गलौच होगी, अक्यूज्ड पार्टी ने उसको ज़्यादा महसूस कर लिया। उसके बाद जो मृतक है ये अपनी डेयरी पर जाके सो चुका था, बाद में ये पीछे से गए हैं और वहाँ जाके इनकी फिर कासुनी हुई है और उसके बाद इन्होंने ईंट पत्थर से उसकी हत्या कर दी। नहीं, वहाँ पे जो जन्मदिन पार्टी थी वहाँ पे डीजे चल रहा था, डीजे को लेके इनकी छोटी मोटी गाली गलौच हुई है। मारने वाले अब तक के अनुसंधान के अनुसार 2 लोग थे और पहले इन्होंने उसके ऊपर ईंट से वार किया, इनको ये लगा कि शायद ये मर गया, उसके बाद इन्होंने इसको रस्सी से, दोनों ने रस्सी से चारपाई के बांध दिया ताकि ये उठ के ना जा सके, लोगों को पता ना चल सके, और उसके बाद ये मौके से फरार हो गए। ये हमारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ जो इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने इस मुकदमे को ट्रेस किया है, एक अक्यूज्ड को पकड़ा है और इसको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम सुनील कुमार है और अक्यूज्ड का जो आज पकड़ा गया है वो कृष्ण खटाणा है, एक दूसरा अक्यूज्ड जो है वो प्रमोद खटाणा है। कृष्ण खटाणा का अपना इसमें उत्तम नगर में ही एक छोटा सा ढाबा है और ये जो प्रमोद खटाणा है ये इसी की, कृष्ण खटाणा की ऑटो का ड्राइवर है।